इफ एल्स लेडर और इफ एल्स इफ, हम इसको इफ एल्स इफ भी बोल सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में. इफ एल्स लेडर का मतलब है चेन ऑफ इफ एल्स, कई सारे इफ एल्स होंगे इसलिए हम इसको इफ एल्स लेडर बोलते हैं. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बहुत सारी कई सारी कंडीशंस हैं या ऑप्शंस हैं, उन्हें टेस्ट करना है, तब हम इफ एल्स इफ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कि स्टूडेंट की मुझे मार्क्स के बेसिस पर ग्रेड प्रिंट करनी है, तो कई सारी मल्टीपल कंडीशंस मुझे चेक करनी पड़ेंगी कि अगर 65% है तो क्या ग्रेड है, 30% है तो क्या ग्रेड है. अनदर एग्जाम्पल कि मैं डे एंटर करूँ डे 4 और प्रिंट करे डे ऑफ द वीक, सो इन दैट केस ऑल्सो आई कैन यूज इफ एल्स लेटर. और आई वॉन्ट टू प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर अमंग मैनी नंबर्स, सो इन दीज केसेज वैन आई हैव मल्टीपल कंडीशंस टू चेक, इन दैट केस आई विल यूज इफ एल्स लेटर. लेट अस सी द सिंटेक्स. इफ कंडीशन वन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब एल्स इफ पर आएगा. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू इट विल इवेल्युएट दिस, और इसको इवेल्युएट करने के बाद सीधे बाहर वाली स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ पर आएगा, कंडीशन टू चेक करेगा. कंडीशन टू अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी, और एग्जीक्यूट करने के बाद सीधे बाहर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा, इस एल्स इफ लैडर से बाहर आ जाएगा. ये जो कंडीशन है बाकी की उनको चेक नहीं करेगा. सिमिलरली इफ दिस इज फॉल्स देन इट विल चेक कंडीशन थ्री, इट विल कम टू एल्स इफ एंड इट विल चेक कंडीशन थ्री एंड सो ऑन. इट कैन हैव एन नंबर ऑफ कंडीशन. और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तब वो एल्स वाले ब्लॉक पर आएगा, और एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा एंड आउट ऑफ इफ एल्स लेडर. लेट अस सी द फ्लो डायग्राम. कंडीशन वन, कंडीशन वन अगर ट्रू हुई तो स्टेटमेंट्स वन को एग्जीक्यूट करेगा. इट कुड बी वन स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जो भी होंगी इट विल एग्जीक्यूट एंड आउट ऑफ द एल्स इफ ब्लॉक. इट विल नॉट चेक ऑल दीज कंडीशंस. नाउ इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स देन इट विल चेक कंडीशन टू. सिमिलरली द सेम प्रोसेस विल रिपीट. इफ इट इज फॉल्स देन कंडीशन थ्री. इफ इट इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स एंड आउट ऑफ इफ एल्स लेटर. इन दैट केस इट विल नॉट चेक द फर्दर कंडीशंस. सो इट विल मूव ऑन. और फाइनली वेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स इट विल कम टू द एल्स ब्लॉक. इट विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स एंड आउट ऑफ द इफ एल्स ब्लॉक. ये लाइन नहीं आएगी क्योंकि ये सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तभी वो इधर आएगा. इधर आकर एल्स की जो भी स्टेटमेंट्स उनको एग्जीक्यूट करेगा और बाहर. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद अ प्रोग्राम. प्रोग्राम इज टू प्रिंट द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स एंटर्ड. Include the necessary header files before void main. Int marks, I have declared a variable marks of integer data type, and I am inputting the value of marks through scanf function. So on the output screen you will see enter marks. Suppose I enter 72, student got 72%. This is if else ladder. Many conditions are there. First condition, if marks is greater than or equals to 80, the first condition is false because marks are 72. First condition false है, second condition check करने की जरूरत नहीं क्योंकि अगर एक condition false हो गई तो it will not enter this block. And operator के लिए दोनों condition जब true होती हैं, ये वाली condition और ये वाली condition, जब ये दोनों true होंगी तभी ये if block के अंदर जाएगा, means ये वाली statement को read करेगा. तो first condition is false, so it will go to next. Else if means अगर ये गलत है, अगर ये false है तो else. Marks is greater or equals to 60, true. Because 72 is greater than 60, true. And marks is less than 80, true. Both the conditions are true. So it will enter this block and here it will print use code grade B. इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइलर इफ एल्स के लेडर से बाहर आएगा. ये इफ एल्स का लेडर यहां स्टार्ट हुआ और ये एल्स पर यहां पर ओवर हुआ. इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट्स है उन्हें एग्जीक्यूट करेगा और क्या लिखा है, प्रिंट एफ यू आर आउट ऑफ इफ एल्स लेडर, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करेगा गेट सी एच मेन ब्रैकेट क्लोज प्रोग्राम ओवर. नाउ आई कंपाइल द प्रोग्राम अगेन. और इस टाइम सपोज मैंने एंटर करा 32 मार्क्स. फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड, 32 इज ग्रेटर देन 80,
false. This condition is false. It will go to the next condition. 32 is greater than 60. False. It will come to the other condition. Third condition. 32 is greater than 40. False. Then it will come to this condition. 32 is greater than 30. True. And 32 is less than 40. True. So these both conditions are true. Hence this statement will execute and printed, and the compiler will print use code grade D. After executing this statement, compiler will come out of the if else ladder. ये if else ladder यहां पर खत्म हुआ है. इसके बाहर जो line है वो print if you are out of if else ladder. तो ये भी print हो जाएगी. आप इधर देखो, indentation मैंने proper दिया है and this is very important to understand the program. If के अंदर ये line है तो यहां पर मैंने space छोड़ी है. फिर ये बाहर है, इस स्टेटमेंट इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है तो ये बाहर मैंने यहां पर लिखा है. फिर इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो मैं इंडेंटेशन स्पेस देकर लिखूंगी. सिमिलरली हियर, अब ये इफ एल्स लेडर के बाहर ये स्टेटमेंट है इसलिए मैंने ये यहां से लिखी है, यहां पर नहीं है. अगर ये एल्स ब्लॉक के अंदर होती तो मैं यहां लिखती और करली ब्रैकेट्स देती. सो इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू गिव प्रॉपर इंडेंटेशन इन योर प्रोग्राम. नेक्स्ट टाइम सपोज आई एंटर 25% ऑफ अ स्टूडेंट. So 25 is greater than 80, false. 25 is greater than 60, false. 25 is greater than 40, false. 25 is greater than 30, false. All these conditions are false. So it will go to the else block or default block हम बोल सकते हैं. तो जब ये सारी conditions false होंगी तो else block पर जाएगा. यहां क्या लिखा है, print if you are fail. So here it will print you are fail. And after this block, it will come out of the if else ladder. And here it is written, you are out of if else ladder. So it will print this also. Means wo else block par tab jayega jab sari conditions false hongi. Yahan par sari conditions ke andar ek hi statement hai, isliye maine curly brackets nahi lagaye hain. It is optional. Agar ek se zyada statement hoti hai, then it is mandatory. Agar suppose student enter karta hai marks 105. Then what will be the output? Tell me in the comment box.